है ना ये सिर्फ किसी भी पोटेंशियल रिक्रूटर को यह दिखा रहा है कि आप अब एलिजिबल है आपको अपने सब्जेक्ट में इतनी नॉलेज है कि आपको कॉलेज में अपॉइंट किया जा सकता है एज ए लेक्चरर लेकिन क्या वो किया जाए या नहीं किया जाए उसके लिए और लंबे प्रोसीजर्स जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड है रिक्विजिट है और लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सब चीजें भी होती हैं तो आज के सेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूं कि वंस यू हैव क्वालिफाइड योर नेट उसके बाद और क्या क्या प्री रिक्वे होंगे जिसके जो है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आइए देखते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेट या जे की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं 100% परसेंट प्रेपरेशन के साथ तो उसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए होगा कि आप हमारी एप्लीकेशन को विज़िट करें एप्लीकेशन जो है हमारी वो बेसिकली हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसपे आप ना कि सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे पर आपको उस पर पॉप क्विज़ेज़ मिलेंगी अच्छा एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू अगर कोई आप परचेज करते हैं किसी कोर्स का किसी कोर्स में इनरोल करते हैं तो उसके लिए जो है ऐप डाउनलोड के भी आपको 5000 पॉइंट्स मिलते हैं 5000 पॉइंट्स से आपको आने वाले अपने जो आ, किसी भी कोर्स में आप इनरोल करेंगे तो मेरे कोड के साथ साथ आपको उसमें एडिशनल जो है डिस्काउंट भी मिलेगा साथ ही साथ इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेज़ करंट अफेयर्स डेली क्विजेज मैगजीन्स नोट्स एंड आर्टिकल्स किसी नए बैच के लॉन्च की इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ मिलेगा अगर आप हमारी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे है तो जरूर एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है किसी भी तरीके के नेट और जे के प्रेपरेशन के लिए ठीक है ना आइए देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको अब मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको जो है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन जितने भी मेरे लर्नर्स जुड़े हुए अनिल जागृति श्रेया देवचरण मनु गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून वेलकम टू एवरीबॉडी चलिए आइए आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसीजर्स हैं स्टेप नंबर वन यू मस्ट हैव योर कॉम्बिनेशन ऑफ योर ग्रेजुएशन विद योर पोस्ट ग्रेजुएशन सो बेसिकली मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी हाइस्ट डिग्री है तो कुछ लोगों का डाउट है कि क्या यू जी क्या पी एच डी आपका हाइस्ट डिग्री मतलब आपको मिनिमम आपको पी एच डी होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंडिया में नहीं दैट इज नॉट द केसट यू डोंट हैव टू बी अ पी एच डी दिस इज एन अडिशनल थिंग इट्स नॉट अ कम्पलशन कम्पल्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन तो अगर आप बैचलर्स की डिग्री में थे आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे थे तो उसके लिए आपका जो है बी बना बी के साथ एम का कॉम्बिनेशन अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे तो बी के साथ एम बना पर इस केस में आप यू जी नेट नहीं आप यू जी नेट सी एस एग्ज़ाम दोगे अगर आप जो है टेक्निकल फील्ड में थे तो बी के साथ आपको एम करना है अगर आप कॉमर्स की फील्ड में थे तो बी के साथ आपका एम -com का कॉम्बिनेशन बनेगा ठीक है तो ये मिन ये आपका जो है मिनिमम है हाय जुनेद थैंक यू गुड टू सी यू टू हाय सोनिया गुड आफ्टरनून ठीक है सो ओ आकांक्षा मैम विद द गाइडेंस ऑन यूट्यूब आईव क्वालिफाइड गेट टू 2023 मेनी मेनी मैनी आकांक्षा बहुत बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर आकांक्षा uh, अगर आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर पाओ तो अगर आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी नहीं है तो प्लीज़ इस मेल आईडी पे एक बार अपना uh, जो है एक बार उनको बोल दीजिए कि आपको यू हैव टू पुट मी इन टच विद द ऐश्वर्यापुरी मैम सो दे विल गेट यू इन टच विद मी आई वुड लव टू हैव एन इंटरव्यू विद यू लाइक वी कैन प्लान एन ऑनलाइन इंटरव्यू आई थिंक इट वुड बी ग्रेट ठीक है सो सपोर्ट एट अदर टू फोर सेवन डॉट कॉम ठीक है इस पे एक बार उनको बोल देना कि ऐश्वर्यापुरी मैम के साथ मुझे कांटेक्ट में ले आइए ठीक है एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू हैव माय टेलीग्राम आईडी फिर तो उस पर पर्सनली मुझे मैसेज करो सब लोग आकांक्षा को कंग्रेचुलेट कर दें उनका गेट क्लियर हो गया है हमारी यूट्यूब क्लासेस से बहुत ही खुशी हुई मुझे ये जान के आकांक्षा वंडरफुल वंडरफुल चलिए तो अब जितने भी आप लोग बाकी के भी लोग स्टूडेंट्स हैं मैं चाहती हूँ ऐसे ही पॉजिटिव रिजल्ट रहें आपके आपका सिलेक्शन्स रहें तो आप जो है रिलीजियसली जो है सब गाइडेंस और स्टेप्स को जो है फॉलो करें और जल्दी से जल्दी जो है आप सब अपनी अपनी गुड न्यूज़ भी जो है मेरे साथ शेयर करें जी अच्छा तो मैंने आपको बोला कि आपने ग्रैड और पोस्ट ग्रैड का आपका जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसके बाद ध्यान रखना है इस बात को दैट यू हैव टू चूज़ योर मास्टर्स वाइजली वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है उसका कल को जब आप नेट का एग्ज़ाम दोगे या कल को यू you नो know, आप नेट का एग्ज़ाम भी छोड़ दो <clears throat> एक सब्जेक्ट है जिसको आपने पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलना है मतलब अगर आप कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं तो मान लो 58, 60, 62 तक आपकी रिटायरमेंट होने वाली है तो अपनी ज़िंदगी के 30, 35, 40 साल आप एक सब्जेक्ट के साथ बिताएंगे रोज़ आप वही पढ़ाएंगे ठीक है आप बैच बाय बैच सक्सेसिवली उसी सब्जेक्ट को जो है आप उसकी नॉलेज को कन्वे करेंगे इम्पार्ट करेंगे तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता जो आपको बोर कर दे तो आपके लिए जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है वो आपका मास्टर्स या आपका नेट का सब्जेक्ट नहीं बन सकता ये बात ध्यान में रखना और ये भी बात ध्यान में रखना कि एक बार आपने वो सब्जेक्ट ले लिया तो मास्टर्स में आपको मिनिमम 55 परसेंट स्कोर करने पड़ेंगे ताकि आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाओ तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी एलिजिबिलिटी है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपने मिनिमम जो है उस सब्जेक्ट में फिफ्टी मार्क्स स्कोर किए हों अब इस बात को ध्यान में रखना कि जो काफ़ी सारी जो छोटी इधर उधर की यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके शहर में कोई लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स देने का चलन है अगर आप देश की जो सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे वहाँ पर ट्रेंड नहीं है ज़्यादा मार्क्स देने का असेसमेंट्स में तो वहाँ पर एनी कट ऑफ कम रहती है ठीक है सो so, इस बात का ध्यान रखना कि आप अपनी यूनिवर्सिटी भी वाइसली चूज करो अगर आपका आइडिया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो आप ना भी लालच करो करो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का दो तो भी चलेगा फॉर एग्जाम्पल मेरे होम टाउन में जो यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ नाइन स्टूडेंट्स थे मास्टर्स में उनमें से मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे उनका जनरल बीए का बैकग्राउंड था उनका इंग्लिश ऑनर्स का बैकग्राउंड भी नहीं था तो उन नौ बच्चों में एक एवरेज लड़की जो है उसने क्लास में टॉप किया और वो यूनिवर्सिटी टॉपर थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में क्लासेस हो रही थी जो मेरे शहर की लोकल यूनिवर्सिटी है वहां की क्लासेस थी तो कहने को नौ बच्चों में टॉप करके वो यूनिवर्सिटी टॉपर बन गई कल को जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जाओगे तो मेरिट में आपको पाँच मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे यूनिवर्सिटी टॉपर बनने के ठीक है तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है तो अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है अगर अभी तक आपने मास्टर्स नहीं किए तो ये सोच लेना एक बार जरूर कि आपको एकेडमिक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा लेकिन अगर आपको लगता है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव यह लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो किसी लोकल यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स कर लेना बस इतना ध्यान रखना कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी की ब्लॉक लिस्ट में ना हो बस इतना ध्यान रखना उसमें आपने मिनिमम फिफ्टी परसेंट स्कोर करना है जनरल कैटेगरी ने रिजर्व कैटेगरी ने को फाइव परसेंट का आपको उसमें रिबेट मिल जाएगा ठीक है ये आपका नंबर वन स्टेप है नंबर टू स्टेप आपका बनता है उसके बाद जो है यूजीसी नेट या सी क्वालिफाई करना ठीक है तो ये मैं आपको एक बार स्टेप्स बता देती हूँ नंबर टू स्टेप है एक बार आपका मास्टर्स हो जाता है तो मेरे हिसाब से आप बैचलर्स के फाइनल ईयर या मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से जो है अपना नेट की तैयारी आप शुरू कर दें उसका रीजन ये है कि नेट में आप सेकंड ईयर से जो आपका अटेम्प्ट है वो मान्य होगा उसको वैलिड माना जाएगा तो इससे तो बेहतर ही कुछ नहीं है कि आप तो कॉलेज से अभी बाहर नहीं निकले मास्टर्स की तो डिग्री हाथ में नहीं आई और इससे पहले ही नेट क्वालिफाई हो गया है ना क्योंकि नेट अगेन एक क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके बाद अभी बहुत और लंबा स्टेप है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का अगर एम करने के बाद आप तेईस साल की उम्र में अपनी मास्टर्स करोगे उसके बाद भी आप तीन साल बैठ के नेट ही कर रहे हो तो छब्बीस साल तक तो आप नेट ही क्वालिफाई कर रहे हो उसके बाद क्या करोगे तीस बत्तीस में जाके नौकरी मिलेगी आपने एम ये रखना है कि छब्बीस तक तो मुझे नौकरी मिल जाएगी पच्चीस तक तो मुझे नौकरी मिल जाएगी नेट क्वालिफाई करने के बाद मास्टर्स करने के बाद अगर आप दो साल का भी बफर रख रहे हो इतना एम जो है आप लोगों ने लेकर चलना है अपने साथ टाइम वेस्ट नहीं करना अपने जीवन का ठीक है तो नेट की तैयारी बैचलर्स या बैचलर्स के लास्ट ईयर या मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से नेट देने लग जाओ ताकि मास्टर्स के सेकंड ईयर तक के आपके अटेम्प्ट हैं वो वैलिड हो जाए तब तक आपका इतना एक्सपर्टीज बन जाए पेपर देने में कि आप क्वालिफाई कर लो तब तक नेट जो है आपका ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए है अगर आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंसेस, फ़िज़िकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस तो उस केस में जो है आप सी एस आई और यू नेट देते हो ये दोनों एग्ज़ाम्स एक ही लेवल के एग्ज़ाम्स हैं बस फ़र्क इतना है कि ये ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर्स और सोशल स्टडीज़ का है ये साइंस का है इसका पेपर का पैटर्न भी अलग है इस वाले से दोनों का पैटर्न जो है वो काफी ज्यादा अलग है नाशनल एलिजिब, नाशनल टेस्ट का, ये नेट का जो कि जेई ट्रिपल ई जे ट्रिपल ई या फिर नीट के एग्जाम्स को भी जो है सीयू टी के एग्जाम्स को भी जो है कंडक्ट करवाती है ठीक है ना नेट का एग्जाम साल में दो बार होता है दो साइकिल में कंडक्ट होता है जून का

और कईयों को तो हर पेपर में मुझे बच्चे फिर आके बताते हैं है, मैम हमने दस क्वेश्चन ठीक कर लिए आपके स्मार्ट तुक्के से हमने बारह क्वेश्चन ठीक कर लिए अपने स्मार्ट तुक्के से मैंने बीस क्वेश्चन में अपने पेपर में स्मार्ट तुक्के मारे थे उसमें से तेरह क्वेश्चन के मार्क्स मेरे को मिले तो मैंने ट्वेंटी सिक्स मार्क्स उठाए थे इसे स्मार्ट तुक्का मार के जिनके मुझे आंसर्स भी नहीं पता थे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका बेनिफिट आप लोगों ने उठाना है ठीक है ना ये आपका ये वंस ही आपका हो गया अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि पी है नहीं है मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आप जाएंगे वहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बेसिक वो आज भी है एम यानी मास्टर्स विद 55 परसेंट प्लस नेट पीएचटी के आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं वो हर स्टेट में डिफर करते हैं जैसे हरियाणा का अगर आप एच में जाओ तो वो आपको दो तीन मार्क्स का बेनिफिट देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाओ तो आपको पच्चीस मार्क्स मिलते हैं ठीक है वो एडिशनल है ऊपर जो आपका चलता है ठीक है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ नेट की एलिजिबिलिटी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करी लिया फिर भी एक बार देख लेते हैं आपको जो है मास्टर्स की अपनी डिग्री में या किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री में यूजीसी रेकोग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो है 55 परसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं 5% परसेंट का रिबेट मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को फाइनल ईयर्स का जो स्टूडेंट है जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है तो मैंने आपको बोला कि फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट जो है वैलिड माना जाएगा तो जिस डेट को आपका रिजल्ट आता है उसके दो साल के भीतर में आपको जो है अपना मास्टर्स क्वालिफाई करने का जो सर्टिफिकेट है वो शो करना है यूजीसी को ताकि आपको आपके नेट की डिग्री वैलिड रहे कैंडिडेट जिनके पास पी की डिग्री है ठीक है बिफोर 1991 September 1991 सितंबर पांच परसेंट की रिलैक्सेशन मिलेगी अपनी एग्रीगेट मार्क्स में ये आपकी नेट में बैठने की जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है ठीक है इसी के साथ साथ कैंडिडेट्स अब अब किसी ने बोला है कि कैंडिडेट्स होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाई इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉरन यूनिवर्सिटी से विद मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकोगनाइज इंडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक बार ज़रा इसकी वेबसाइट पर चले जाना एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ देख लेना कि आप जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो क्या वो वो यूनिवर्सिटी इसमें है या नहीं है दूसरा स्टेप है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पी एच डी के साथ आपका चाहे नेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आप वर्ल्ड कि जो वर्ल्ड रैंकिंग रैंकिंग्स हैं जैसे क्यूए क्यूएस रैंकिंग है या वर्ल्ड की कोई और टाइम्स की कोई वर्ल्ड रैंकिंग है अगर उसमें एक यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की उस रैंकिंग में अंडर 500 रैंक्स पे आ रही है आप अगर वहाँ से आपने अपनी पीएचडी की है तो आपको नेट की जरूरत नहीं है अदरवाइज नेट आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बोलेंगे कि पीएचडी से काम चल जाएगा आपको नेट की जरूरत नहीं है पर फिर ये बात याद रखना जो नेट का आपको जो जो बेनिफिट मिलते है ना आपका जो पे स्केल है, वो डी ए प्लस टी ए प्लस एच आर ए ये जो सारे बेनिफिट फिर मिलते हैं ना आपको पी एफ मिलता है एटसेट्रा एटसेट्रा वो सब नहीं मिलेगा जो यूनिवर्सिटी आपको बिना यूजीसी नेट के अपने पास जॉब पे लगा लेगी वो आपको दिन में नौ बजे बुलाएगी शाम को 5 बजे छोड़ेगी 5 तीन आठ घंटे कॉलेज में रखने के वो आपको पंद्रह हजार देगी अट्ठारह हजार देगी बाईस हजार देगी अगर आप नेट क्वालिफाई करके यू जी अप्रूव्ड मेथड से किसी भी कॉलेज में रिक्रूटमेंट लेते हो तो आपका जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो 65,000 से 90,000 होगा डिपेंड ऑन आपकी लोकेशन क्या है तो आपका टी उस हिसाब से बढ़ेगा एच आर एस हिसाब से बढ़ेगा ठीक है इसी के साथ आपको पी एफ मिलेगा कि मान लो सिक्सटी फाइव थाउजेंड में से आपका जो सेवन थाउजेंड रुपीज़ है वो कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सेवन थाउजेंड रुपीज आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे आपकी पे से सात हजार रुपए गया लेकिन आपके पी एफ के अकाउंट में साढ़े चौदह हजार फिक्स होंगे क्योंकि आपका कॉलेज आपको डबल अमाउंट दे रहा है और ये जो है आपको 12 साल बाद जो है आप इसको निकलवा सकते हो और मोस्ट लोग जो हैं मोस्टली जो एम्प्लॉयज uh, हैं वो रिटायरमेंट के टाइम इसको निकलवाते हैं तो कोई कई करोड़ों में बड़ा अमाउंट आपका उस वक्त निकल के आता है ये सारा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है और नेट अप्रूव यू जी तरीके से आपने नौकरी ली है जो कॉलेज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जो कॉलेज आपसे जो है बिना नेट के आपको भर्ती करेगा वो आपसे आठ नौ घंटे काम करने के बेगारी करने के पंद्रह अठारह हजार रुपए देगा ये नेट की रिक्वायरमेंट है तो कोई अगर पूछता है कि मैम हमें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ पी के बेसिस पे जॉब मिल रही है नेट क्यों करें तो मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बता दिए अब ये आपका जो है डिसीजन है कि आपको किस तरीके से करना है एज लिमिट क्या है नेट की कोई अपर एज लिमिट नहीं है चाहे आप पचास साल के हैं आप साठ साल के हैं आप पैंतालीस साल के हैं आप पैंतीस साल के हैं डजेंट मैटर ठीक है आपको मिनिमम अपनी मास्टर्स आपकी की हुई होनी चाहिए तो तकरीबन जो 22 से 23 से आप शुरू कर सकते हो इस एग्जाम को देना ठीक है और अपर लिमिट इसकी कुछ भी नहीं है इनफाइनाइट है ठीक है सो दे इज नो दिस थिंग रिगार्डिंग दैट ओके अब है नेक्स्ट स्टेप एक बार आपने अपना नेट क्वालिफाई कर लिया आपने अपनी मास्टर्स कर ली उसके बाद जॉब वैकेंसीज फाइंड करना देखो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है कोई गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है है ना इन सबकी जो वैकेंसीज हैं वो ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपको मिल सकती हैं जैसे कि व्हाट्सएप टेलीग्राम या फेसबुक लेकिन कायदे से जो इनका ऑफिशियल वो सोर्स है जहाँ पे अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज करते हैं वो होता है न्यूज़ पेपर्स न्यूज़ पेपर्स में क्लासीफाइड होते हैं उसमें आप देखेंगे सेकेंड थर्ड पेज पर आप जाओगे नीचे की तरफ आपको कटआउट्स दिखेंगे जहाँ पर जो है हर आपके लोकल एरिया के कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने पोस्ट एडवर्टाइज़ की होंगी तो सबसे जो रिलायबल तरीका है वो न्यूज़ का है ठीक है न्यूज़ पेपर्स है आजकल ऑफ़कोर्स काफ़ी बेटर हो गया फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं लेक्चरर्स हैं प्रोफेसर्स हैं वो उस ग्रुप में एडिड होते हैं तो उनमें जो है वो शेयर करते रहते हैं कि हमारे कॉलेज में ये वैकेंसी निकली हमारे पड़ोस के उस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है तो आपको ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज का जो है पता लगता रहता है बी विजिलेंट अपने जब आप उस फेज में आप जॉब ढूंढ रहे हो आंख नाक कान सब खोल के बैठो उस वक्त आपने अखबार आपने मूवीज में देखा होगा पुराने जमाने की मूवीज में होता था कि किसी को जॉब ढूंढनी है तो वो अखबार में बैठ के गोले कर करके जो है जॉब इंटरव्यूज देने जाते mm. थे कि आज मैं इस जॉब इंटरव्यू में जाऊंगा कल मैं इस जॉब इंटरव्यू में जाऊंगा आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ के रह सकते अगर आप पैशनेट हो उस जॉब को लेने के लिए तो आपको वो मेहनत भी डालनी पड़ेगी जिससे आपको वो जॉब मिलेगी अप्लाई इन एज मेनी वैकेंसीज एज पॉसिबल वेरी इंपॉर्टेंट जितनी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज में आपने अप्लाई करना है ये मान के मत बैठ जाना कि भाई मुझसे तो बेटर कोई नहीं है तो मैं तो जिस पहले इंटरव्यू में जाऊंगा वहां मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा आपको मैं बता दूं अगर कहीं पे दो पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है तो उस पर इंटरव्यू देने वाले दो लोग आएंगे कहीं पे तीन पोस्ट एडवर्टाइज़ हो रही है तो वहां पे इंटरव्यू देने वाले 500 लोग आएंगे तो ये बात मान के चलो कि आपको उन लोगों से आगे निकल के रहना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है अब बात ये है आगे आप निकलेंगे कैसे क्या तरीका है जिससे आप आगे निकल सकते हैं वो तरीका जो है आपका है एक एग्जाम एक के थ्रू तो क्या है जैसे मैंने बोला कि दो पोस्ट हैं उसमें पाँच सौ लोगों ने अप्लाई कर दिया कि हमें तो जी इस जॉब के लिए अप्लाई करना है हम सब नेट और मास्टर्स क्वालिफाइड है वटैवर वटैवर लेकिन जो वो इंटरव्यूअर्स हैं वो पाँच सौ लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते मान लो उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ सौ लोगों का इंटरव्यू लेंगे जिसमें से हम लोग जो हैं दो लोगों को सिलेक्शन देंगे तो पाँच सौ लोगों में से वो सौ लोगों को कैसे छांटेंगे उसके लिए वो एक एंट्रेंस एग्जाम रख सकते हैं तो मल्टीपल जो स्टेट्स के पब्लिक uh, सर्विस होते हैं वो ऐसा एक एग्ज़ाम रखते हैं ये नेट के बाद का एग्ज़ाम होता है ठीक है ये सेट एग्जाम नहीं है सेट अलग है सेट तो स्टेट का नेट एग्जाम हुआ ये एक एग्जाम है जो आपके स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा जनरली इसको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कहते हैं

अब इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे जो है अपनी बेसिक सारी क्वालिफिकेशन लेके जाएंगे ठीक है प्लस आप अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स लेके जाएंगे जिसमें कि बेसिकली आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड वगैरह चल जाता है उसके अलावा जो है आपके मेरिट बनती है अब याद रखना इस बात को कि आज की तारीख में जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाओगे तो इंटरव्यू के मार्क्स की वेटेज काफी कम है ज्यादा जो वेटेज है वो आपके मेरिट स्कोर की होती है तो भाई मेरिट स्कोर बनता कैसे है मेरिट स्कोर बनने के लिए सबसे पहले तो जो है आपके सारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं अब इस मार्क्स में जैसे मैं आपको बता दू मार्क्स में मैं आपको बता दू आपके स्टैंडर्ड के मार्क्स आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके पोस्ट ग्रैड के मार्क्स ये सारे मार्क्स उसमें ऐड होते हैं अगर आपने एम किया है तो आपको उसका एक या दो एडिशनल मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने पी किया है तो उसका आपको एडिशनल मिल जाएगा ये सारे तो आपके जो है इसके मार्क्स जुड़ते हैं ठीक है इसका मतलब जो बच्चा जो इंसान जो कैंडिडेट अभी बैचलर्स में है मास्टर्स में गया नहीं है वो मास्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करे क्योंकि फिर आपका ये वाला जो स्कोर है यहाँ से बढ़ जाएगा ठीक है ना इसके अलावा जो है आपको अपने कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के सर्टिफिकेट्स को ऐड करना होता है तो ये जो मैं फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की बात कह रही हूँ ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन पे जो है नेशनल लेवल के जो वर्कशॉप सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल उनकी एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं आप मात्र हजार पंद्रह सौ रुपये की फीस देकर जो है इन कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बन सकते हैं ज़रूरी नहीं आपने ऑफलाइन में जाना है जब से कोविड शुरू हुआ है तब से सारे ऐसे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं उनका सर्टिफिकेट भी वैलिड है तो आप घर बैठे बैठे गूगल मीट से या फिर जूम मीटिंग से जो है इन कॉन्फ्रेंसेस में जुड़ सकते हो और आपको जो है उसके बाद उसमें एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल है अगर उस कॉन्फ्रेंस में आपने अपना पेपर प्रेजेंट किया है तो आपको अपना प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट मिलता है हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन प्लस पब्लिकेशन के तो वो जो सेमिनार है वो अपना एक जो है जर्नल पब्लिश करेगा और उस जर्नल में अगर आपका पेपर पब्लिश भी हुआ है तो आपको उसके सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे नॉर्मली इसकी एक कैप बनाई होती है मान लो आपने दस पेपर्स पब्लिश कराए हैं तो जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने बोला हम आपको मैक्सिमम छे मार्क्स ही दे सकते हैं हर पेपर का दो मार्क्स मिलेगा यानी चाहे आपके दस पेपर पब्लिड हैं लेकिन सिर्फ तीन पेपर्स की पब्लिकेशन का मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि ये मैक्सिमम कैप है इसके ऊपर आपको मिल नहीं सकता तो आपके जो पब्लिड रिसर्च जर्नल्स हैं या फिर जो आपकी कॉन्फ्रेंस हैं उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो जर्नल्स हैं ये यू जी अप्रूव जर्नल्स होने चाहिए तो हर साल यू जो है अपनी अप्रूव लिस्ट निकालती है जिसके थ्रू आपको पता लगता है मतलब आप ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम जगह पे जाके आपके दोस्त ने अपने घर पे पब्लिशिंग हाउस लगाया हुआ है वहां जाके आपने बोला भाई मेरा ये पेपर तू पब्लिश कर दे और उसका आपको मार्क्स मिल गया ऐसा नहीं होता है स्पेसिफिक जो है आई या आई आई एस स्पेशल नंबर होता है ठीक है ये वो नंबर्स हैं जो ऑथेंटिसिटी बताते हैं आपके रिसर्च पेपर की तो इसी तरीके की जगहों पे जो है आपको जो है अपने पेपर्स को पब्लिश कराना है साथ ही साथ इनका इम्पैक्ट फैक्टर भी मैटर करता है तो जीरो से टेन का जीरो से टेन का इंपैक्ट फैक्टर होता है कोई भी रिसर्च जर्नल जिसका इंपैक्ट फैक्टर तीन या तीन से ऊपर है उसको अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर जो है माना जाता है ठीक है या तो ये यूजीसी जी जर्नल्स हों या फिर ये पीयर रिव्यूड जर्नल्स हों पीयर रिव्यू जर्नल्स क्या होते हैं कि आपके रिसर्च पेपर की क्वालिटी क्या है इसको जज करते हुए आप ही के सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स चार पांच आपके पेपर को रिव्यू करेंगे और अगर उनको लगता है आपके पेपर में दम है तभी उस जर्नल में आपका पेपर पब्लिश होगा ये पीयर रिव्यू जर्नल होता है ठीक है तो इसके थ्रू जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप अपने पब्लिकेशन जो है मास्टर्स से शुरू कर दो अच्छा मैंने इसमें एक ट्रिक की थी वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आपके मास्टर्स लेवल में एमए में हम सब लोग जो हैं कोई ना कोई असाइनमेंट्स देते थे हर सेमेस्टर में पेपर के साथ-साथ आप लोग असेसमेंट के लिए कोई असाइनमेंट्स वगैरह भी तो देते होंगे ना तो कोशिश करो कॉलेज के जमाने से ही आप इन असेसमेंट असाइनमेंट्स को जो है एमएलए फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दो ठीक है और इन पे इतनी मेहनत डाल दो कि आपको इसके बहाने स, आ, अपने आ, जो आ, Uh, क्या कहते हैं असेसमेंट है उसमें भी आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएं और ये इतना क्वालिटी का बन जाएगा कि फिर आप आगे इसी सेम पेपर को किसी रिसर्च जर्नल में पब्लिश होने भेज सकते हो तो ये ट्रिक मैंने की थी कि मैं सपोज चार सेमेस्टर है हर सेमेस्टर में चार चार सोलह रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो गए थे तो एवरी टाइम मैं किसी में थी, अगर limit, काम आ जाती थी, तो मैं देती थी। अगर कम रहती थी मेरी, कि मैंने वर्ड्स का एक पेपर लिखा और वहां उन्होंने मिनिमम मांगा है तो मैं इसमें कुछ एडिशनल एडिशंस करके उनको भेज देती थी तो मुझे दिक्कत नहीं हुई ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने में ठीक है बहुत ज्यादा फायदा जो है इसमें हुआ अब रिसर्च पेपर्स आप कहाँ पब्लिश करा सकते हो कैसे पब्लिश करा सकते हो इनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक बैक टू बैक सेशन लूंगी रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं रिसर्च पेपर्स कहाँ से ढूंढें उनको अप्रोच कैसे करें वहाँ पे अपना पेपर पब्लिश कैसे कराएं आने वाले हफ्तों में मैं इन्हीं पे सेशंस लूँगी इसीलिए कह रही हूँ प्लीज़ हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है डेली थ्री पी यहीं पर मिलने वाली है ठीक है डेली थ्री पी यहीं पर मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन हाँ जी ठीक है तो जर्नल्स वगैरह आपको सब यहीं से मिलेंगे देखो मैं मैं तेईस साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी प्राइवेट कॉलेज में चौबीस साल की उम्र में हाँ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ में आई वॉज ट्वेंटी फोर की एज में एक्चुअली चौबीस साल की उम्र में मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा में गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आई नो पीपल जो तीस तीस बत्तीस बत्तीस साल तक भी कॉलेज में नौकरी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको ये प्रोसीजर्स नहीं पता है उनको ये सब चीजें नहीं पता है मेरी फैमिली एकेडमिक बैकग्राउंड से थी तो मेरे माय फादर मेड श्योर कि थ्रू आउट माई मास्टर्स मैं वो नेसेसरी स्टेप्स लेती रहूं जो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में मदद करेंगे और अब मैं वही स्टेप्स आपको बता रही हूं ठीक है कि आपको भी ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि मेरी जैसे चौबीस साल की उम्र में नौकरी लग गई थी आप अभी चाहे पच्चीस हो छब्बीस हो सताईस हो ड मैटर आपके पास नेट है उससे कोई वैल्यू नहीं है नेट के साथ साथ ये सारे काम करने पड़ेंगे सिर्फ नेट के बेसिस पे आप इंटरव्यू क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरिट बनती है और मोस्टली स्टेट्स में जो रेशो रहता है वो या तो रहता है सेवेंटी टू थर्टी या रहता है एटी एट पॉइंट फाइव रेशो ट्वेल्व पॉइंट फाइव मतलब सेवेंटी मार्क्स मेरिट के थर्टी मार्क्स इंटरव्यू के 88 एट एंड हाफ मार्क्स मेरिट के ट्वेल्व पॉइंट फाइव मार्क्स इंटरव्यू के तो आप देखोगे एनी वे इंटरव्यू की वेटेज काफ़ी कम है ज्यादा वेटेज तो मेरिट की है और लोगों को पता ही नहीं होता कि ये वाले काम जो हैं, वो सारे आपको करने हैं तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए ठीक है और रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं और पब्लिश कैसे कराते हैं ये मैं स्टेप बाय स्टेप क्लासेस अगले हफ्ते लूंगी तो जरूर जो है आप लोग पेज को शिंपी आप सिंपल गूगल पे जाके यू कैन टाइप यूजीसी अप्रूव लिस्ट में दिखा देती हूँ एक सेकेंड फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ गए यूजीसी hmm. यूजीसी Approved Journals 2023 आपने बस इतना सा गूगल पे सिंपली टाइप किया ठीक है ना तो आपको देखो इस तरीके से लिस्ट मिल जाएंगी न्यू यूजीसी केयर लिस्ट इसको केयर लिस्ट बोलते हैं ठीक है तो डाउनलोड फुली स्कोप जर्नल लिस्ट ठीक है इस तरीके से जैसे कि साइंस वाली कुछ है ये देखो यूजीसी की ये लिस्ट आपने खोल ली ठीक है ना ये तो आई थिंक किसी ने पेड में डाला हुआ है मैं आपको फ्री कोई खोल के देख मतलब ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज में पुणे पुणे यूनिवर्सिटी की जैसे इन्होंने किया हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी ने यूजीसी की केयर लिस्ट जो है यहां पे डाली हुई है तो इस तरीके से जो आपको अप्रूव्ड ये मिल जाएंगे आपको कहीं पे भी ऐसी पीडीएफ जो है मिल जाएंगी ठीक है हां जी जी अम्म um, अनपेड नहीं होती है मोस्टली पेड ही होती है एक्चुअली कहीं पे भी आप अपने पेपर को पब्लिश कराने जाओगे ना याद रखना इस बात को वो आपसे ये मिनिमम फीस लेंगे तो फीस किस कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको पाँच सौ रुपये लेंगे अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर हो या फिर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब पे हो असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो हज़ार रुपये लेंगे ये हज़ार से पंद्रह सौ तक का हो सकता है लेकिन ये फीस मिनिमम आपकी फ़ीस है ये तो आपको पे करनी ही पड़ेगी फ्री में जो है ये वाला काम नहीं हो सकता है ठीक है ना हाँ जी नाउ अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने अपने कॉलेज में एन एस एस में आप थे या एन सी सी में थे उसके आपको एडिशनल तीन तीन पाँच पाँच मार्क्स मिलते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है साथ ही साथ अगर आप एक गोल्ड मेडलिस्ट थे गोल्ड मेडलिस्ट होता है यूनिवर्सिटी का टॉपर यूनिवर्स अब जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तो मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी पर उसका मुझे मार्क्स नहीं मिला लेकिन अगर मैं एक अपने होम टाउन के उस यूनिवर्सिटी को कंपेयर करूं जहां पे सिर्फ नौ बच्चे थे और उसमें से आप मान लो कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन गई तो वो कहने को उस यूनिवर्सिटी की टॉपर तो हो गई ना गोल्ड मेडलिस्ट तो वो हो गई तो उसको जो है अगर वो कहीं जाती उसको पांच मार्क्स एडिशनल मिल जाते इस बात का ध्यान रखो अगर आपको कोई स्टेट का अवार्ड मिला है अगर आपको कोई नेशनल या स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स का अवार्ड सर्टिफिकेट आपके पास है इनके दो दो तीन तीन पांच पांच मार्क्स आपको एडिशनल मेरिट में मिलते हैं ये सब चीजें आपकी मेरिट में जुड़ते हैं तो फाइनल फिर जो आपका सिलेक्शन होगा वो बनेगा फाइनल जो आपकी मेरिट है वो मेरिट प्लस इंटरव्यू पे बनेगी रेशो मैंने आपको बता दिया कई स्टेट्स कई जगहों पे आपको सेवेंटी थर्टी का रेशो है कई जगहों पे आपको एटी 8.5 टू um, uh, का रेशो है ठीक है रेशो इंटरव्यू का कम इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू अगर मार्क्स ज्यादा हो तो उसमें करप्शन ज्यादा हो जाता है एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस बढ़ जाती हैं। तो एक्सप्लोइटेशन ना हो इसीलिए जो है इसको रखा जाता है तो ये था मेरा आज का सेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इंडिया में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और थैंक यू सो मच एवरीबडी इस सेशन को अटेंड करने के लिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आने वाले हफ्ते में मैं बैक टू बैक ऐसे सेशंस लूँगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू तो राइट अ रिसर्च आर्टिकल रिसर्च जर्नल्स को अप्रोच कैसे करना है उनको अपना जो है पेपर कैसे भेजना है उनको जैसे आप अपना एब्सट्रैक्ट भेजते हो तो रिसर्च जर्नल का एब्सट्रैक्ट कैसे बनता है ये सब भी मैं आपको बताऊँगी Uh, uh, पांडेज पांडेज होती है आपको मिनिमम 55 परसेंट मार्क्स चाहिए बस अगर आपके 55 परसेंट मार्क्स अब हैं तो आप डेफिनेटली नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है सो so, और कोई अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला इस स्टेप में कोई भी और डाउट है तो सेशन के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें टाइप करिए रोज़ मैं सोने से पहले उस कमेंट सेक्शन को देखती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगी एंड uh, ऐसे ही और इंफॉर्मेशन और यू जी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे है थैंक यू सो मच एवरीबडी